You are watching Poonch Live. आदाब नाज़रीन, आज 99 की जानिब से जामिया ज़ियाउल-उलूम हाई स्कूल पुंछ में पेंटिंग कंपटीशन करवाया गया, जहां डिफरेंट स्कूल से आए हुए बच्चों ने हिस्सा लिया। इस कंपटीशन में पहले मकाम पर आने वाले बच्चे को 2000, दूसरे मकाम पर आने वाले को 1500 और तीसरे मकाम पर आने वाले बच्चे को 1000 के नकद इनाम से नवाजा गया। इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाले सभी बच्चों को सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। देखिए पूंछ लाइव की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम हुसैन रशीद बांडे और मैं जामिया ज़ियाउल-उलूम पुंछ से हूँ। आज मैं कहना चाहूँगी कि आज जामिया ज़ियाउल-उलूम में आज एक आर्मी की तरफ से एक ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, एक कंपटीशन था जिसमें दो टॉपिक थे, एक था नशा मुक्त भारत और एक था पर्यावरण बचाएं, मतलब इन्वायरमेंट सेफ, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। यहाँ पर डिफरेंट स्कूल्स आए हुए थे, यहाँ पर सब ने कॉम्पिटिशन था, यहाँ पर था बताना था से नो टू ड्रग्स, यहाँ पर था कि इन्वायरमेंट को हमने कैसे सेफ रखना है, और हमारा दूसरा था कि से नो टू ड्रग्स, हमें ड्रग्स से दूर रहना क्योंकि हम आगे आने फ्यूचर है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारा फ्यूचर हमारी वजह से बर्बाद नहीं होना चाहिए क्योंकि हम फ्यूचर हैं इस वजह से। और यहाँ पे आज हमें सर्टिफिकेट वगैरह भी मिल रहे हैं क्योंकि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड था, फर्स्ट आई है जामिया ज़ियाउल-उलूम की, सेकंड आई है रज़ा-उल-उलूम की और थर्ड आई है आई थिंक नानक अकेडमी की। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे, यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि हम ऐसी और कॉम्पिटिशन में आगे जाते रहे और हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करेंगे, आर्मी का शुक्रिया अदा करेंगे कि हम इस 54 कॉम्पिटिटर्स में भी थे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अतीबा फातिमा मीर है और मैं जामिया ज़ियाउल-उलूम में पढ़ती हूँ। आज हमारा जो यहाँ पे प्रोग्राम था वो था दो थीम्स पे, एक नशा मुक्त भारत अभियान और एक सेव द एनवायरनमेंट। और यहाँ पे हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना टैलेंट शो करने के लिए मौका दिया। और यहाँ पे बाहर के डिफरेंट स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है और लास्ट पे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस भी मिले और रिफ्रेशमेंट्स और सर्टिफिकेट्स जो पार्टिसिपेटर्स के सर्टिफिकेट्स थे। एंड वी आर हैप्पी दैट हम भी इन 54 कॉम्पिटिटर्स में एक थे और हमने भी बहुत मेहनत करी। एंड हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने भी हमें अपनी टैलेंट शो करने का मौका दिया। और हम इंशाल्लाह मेहनत करेंगे आगे भी और हम चाहेंगे कि इंडियन आर्मी ऐसे हमारा सपोर्ट करते रहे। और जो हमारी थीम थी नशा मुक्त भारत अभियान, हम इसे अपने एक पेंटिंग में अपने ये हम शो करना चाहते थे, एक मैसेज देना चाहते थे कि दैट से नो टू ड्रग्स, हमें ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। जो हमारा नेशन, हमारी यूथ है, उसे ड्रग्स नहीं लेना चाहिए ताकि जो हमारा हम इंडिया का फ्यूचर है, हम वर्ल्ड का फ्यूचर है, अगर हम ये सब करेंगे तो हमारा पूरा फ्यूचर वेस्ट है, तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जामिया ज़ियाउल-उलूम के स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में एक पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। आर्मी ऑफिशल्स जो 93 रेजिमेंट है उनके द्वारा जामिया ज़ियाउल-उलूम में 54 जो पार्टिसिपेंट्स थे डिफरेंट स्कूल्स के, उन्होंने आज पार्टिसिपेट किया। थीम था कि हमारा इंडिया जो है वो साफ़ सुथरा रहे और उसके साथ साथ जो ड्रग्स फ्री से नो टू ड्रग्स पे था। बच्चों ने बड़ा अच्छा पेंटिंग्स बनाई थी और मैं आज इस प्रोग्राम के हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा कि जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो ये है कि हमारा यूथ नौजवान जो है वो ड्रग्स से दूर रहे, अच्छे कामों की तरफ अपने एनर्जी को चैनलाइज करे ताकि वो देश के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए वो कुछ अच्छा कर पाए। वो तभी कर पाएगा जब वो सेहतमंद होगा। अगर वो बीमार हो गया और ख़ासकर ड्रग जैसी बुरी बीमारियों में अगर वो उस लात में पड़ गया तो मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारा देश नुकसान में है, हमारे यूथ जो है वो नुकसान में रहेगा। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा, अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें ताकि वो बुरे सोबत से दूर रहें और अच्छे कामों की तरफ बढ़ें, स्टडी पर ध्यान दें, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें और अपने एनर्जी को पॉजिटिव में लगाएं ताकि वो अपने साथ साथ अपने देश का नाम रोशन करें। इस मौके पर मैं मीडिया कर्म जितने भी हजरात उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो गाए गाए यहाँ आकर कवरेज करते रहते हैं और आम आवाम तक ये मैसेज पहुँचाते रहते हैं। आज इंडियन आर्मी और ज़ियाउल-उलूम स्कूल ने जो ट्रस्ट है, इन्होंने मिलकर
यहाँ पर एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ की है। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के इन 54 कॉम्पिटिटर्स का जो अलग अलग पूंछ के स्कूल से यहाँ पर आए और उन्होंने इनको जो थीम दी गई थी ड्रग्स फ्री इंडिया एंड कीप इंडिया क्लीन, इन थीम्स पर अपनी पेंटिंग्स बनाई। ये यहाँ इस इलाके का जैसे चेयरमैन साहब हैं, हमारे एजुकेशन ऑफिसर साहब हैं, इनके एफर्ट्स का नतीजा है कि इतने दूर दराज के सीमावर्ती ज़िले में भी बच्चों के टैलेंट को निखारने का इनका जो काम चला हुआ है, इसी वजह से दूर दराज से बच्चे आते हैं। केवल स्पोर्ट्स ही नहीं, आर्ट ही नहीं, बल्कि एजुकेशन के क्षेत्र में भी अच्छा कर रहे हैं। जैसे हम देखें इस बार भी JKS की जो एग्ज़ाम है उसमें पूंछ के लड़कों ने बहुत अच्छा किया है। और ऐसे ही कुछ इनिशिएटिव है, बच्चे आए एक दूसरे से मिलें, बाहर की दुनिया से सरोकार हो, कुछ इनको अच्छी चीज़ें पता चले, उनके थ्रू लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें पता चले। और तो आज के ज़माने में इनके हाथ में जो मोबाइल है, जो इंटरनेट की इनकी में स्ट्रेंथ है, जो थोड़ा एक्सपोजर की कमी सीमावर्ती इलाकों में पाई जाती थी, आज की तारीख में वो पूरी हो रखी है। तो ये जितना एक्सट्रोवर्टली बाहर आएंगे, सामने आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। और इस चीज़ के लिए यहाँ के जो है प्रोमिनेंट, जिनका भी मैं नाम दे रहा हूँ, मेरे साथ हैं, इन्होंने जो काम किया है इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करूँगा।